उमेश एंड द न्यू प्लेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस अभी बरिस्ता है, छह सौ रुपए की कॉफी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 600 रुपए की एक है कैपीचिनो स्मॉल। तो जब तक हमारी कैपीचिनो आती है तब तक आप बाहर के विजुअल्स देख सकते हैं। मिनी कूपर स्पॉटेड, बोलता। तो गाइस देखो, हमारे पास एक और ऑप्शन था मैकडोनल्ड्स में, बट उसे रिजेक्ट करके हम बरिस्ता आए। तो बरिस्ता वालो देख लो, तुम फरिश्ता नहीं हो। फ्यूचर यूट्यूबर के साथ आपका पाला पड़ा है, तो अब देख लेना, फरिश्ते बन जाओ फरिश्ते। भैया बहुत ही परेशान है इस ऑफर से, काफी दुख भरा जीवन। इतने 600 रुपए में मैकडोनल्ड्स में क्या क्या नहीं आ जाता? क्यों भैया, नॉन वेज भी आ सकता था भैया, सोचो। 600 रुपए का मुर्गा लेना था, 600, अरे 250 का ही है मुर्गा, और साथ में कुछ पीने की व्यवस्था हो जाती, अच्छी सी एक पार्टी हो जाती अपनी। सब आया यहाँ वीकेंड मनाने, हमारे वाले कॉफी कुछ बना रहे हैं। तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं यार। फिर हम बरिस्ता आया है ना, थोड़ा हमें स्टैंडर्ड अप ही रखना पड़ता है, छोटे मोटे से काम नहीं चलता यहाँ। तो गाइस लोकेशन यही है, पंजाबी हवेली। तो जब भी आना होगा आप आ सकते हैं। जब मैं बाहर आया हूँ कॉफीज लेके, 360 हुआ यार, 600 नहीं बना। तो बरिस्ता वालों को बदनाम नहीं करेंगे। तो भैया हमारा वेट करते हुए और पीछे से उमेश का खाते हुए, 600 की कहाँ दी, 360 की दी, 630, 630 कहाँ, 360, 630 पागल, 100 की एक कॉफी है। अरे यार बरिस्ता वाले फिर बदनाम करो यार इनको, 40 रुपए की। तो देसी बंदे बरिस्ता की कंप्लेन करते हुए, कसम से यार उसको बोलते हैं भैया हमने ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, आप इसे वापस लो और हमें अपने पैसे वापस दे दो। अरे ब्राउन शुगर है हीरोइन, चलो मीठा है कि नहीं वो बोलो। पालो पीला जो, अरे जल्दी करो यार, भी मेरे को भी डाल दो इसमें। उमेश यार मेरे लिए भी डाल दे इसमें, ब्राउन चाहिए कौन सी चाहिए, दोनों दे दो, सब दो सब, शुगर हो जाएगी तुझे। तो अभी उमेश ने पिया तो कैसी लगी? चीनी नहीं है आज के। अरे यार इसमें इन्होंने बाहर ही दिया है कुछ, सब कुछ बाहर ही करना है इनमें। ये डंडे इनको वापस दे कर आओ यार, ये सब साले, ये हगना अंदर ही होता है, ये बाहर नहीं लाना होता, ये गंद। चलो कोल्ड कॉफी बोला था तुमको, ये मनमाची ट्रे वापस दी, कॉफी 200 रुपए की थी, अब 50 रुपए में और ये गर्म। चलो ये वाली दो मुझे, मैं समझ गया, मैं समझ गया, सब समझ गया मैं। इधर माइग्रेशन होती है, कॉफी से हम बर्गर खरीद सकते हैं, इधर बार्टर सिस्टम हो सकता है। बस बस मोहित भैया बस, अबे ये मीठी होगी लकड़ी, कॉफी नहीं होगी इनकी। तो गाइस नॉट गुड डिसीजन कि बरिस्ता में आने का, क्योंकि यार अभी वो माहौल नहीं था ना हमारे, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ और मिल गया। ऐसे तो ठीक, कॉफी तो बढ़िया है, बट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा आप आइए बरिस्ता में अपना कटवा के जाइए। यार हम मिस कर रहे हैं उसको सामने यार, मैकडोनल्ड्स ही गए, चॉकलेट ब्राउनी खाली होती मैकडी यार, इसे सही है। कुछ और भी है, और भी डालो कुछ, एक काम डंडा दिया है, डालो डालो एक और डालो डंडा इसको, मैं दूं। ओ किया था अभी नुकसान 150 रुपए का, दो डंडे ले अभी इधर स्ट्राइक आ जाएगा मेरे को। अब आया ना तू अपनी देसी छिछोरी हरकतों में, बस 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 बस। तो भैया कुछ सिप लिया आपने? आज के बाद कभी नहीं पिया। साला मैंने बिना शुगर के लिया था, मेरे भी लिया था, मेरी प्राइस लिस्ट देख के फट गई। इधर पे क्या मंगा था, कोल्ड कॉफी 200 रुपए से शुरू हो रही थी भाई, जबरदस्ती ये ज्यादा पीना पड़ रहा है। तो मैं घर जा,
आज कब बना के देता? कल शाम को हम ऐसे घूमने निकले पंजाबी के पास गए थे। चूती ऊपर दे 40। मैं भी। असर हो रहा है, असर हो रहा है थोड़ा सा, है ना? We are feeling it. तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं मंजिल की तरफ। भैया चला पाओगे ना? क्योंकि हमने 150 रुपए का जहर पिया है। वो सबने पिया ना मिलके। ब्रो मैं फिनाइल पीने के लिए तैयार हूँ। चले रियासी चले। जय माता दी। भाई ये फोन ही गिर गया था। व्लॉग कहाँ से होता भैया? तो उधमपुर वालों भैया काका, अगर तूने यहाँ से ढंग से चला दी ना, तेरा लाइसेंस 2 मिनट में बनाऊंगा मैं। चल ठीक है। मैं अपने शब्दों से मुकर भी सकता हूँ तो मेरे पे भरोसा नहीं करना। तो अभी थोड़ा खुल चुका है जाम। एंड हियर वी गो। बंदे से हाथ हटा। पहले आटा लेना है। सो वी आर इन उधमपुर। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते क्या है? उधमपुर मार्केट। उधमपुर का मार्केट। तो अभी हम लेने के जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं घर का राशन। हम और थोड़ा दिमाग भी खरीद लेंगे वहां से ही, क्योंकि हमारे उमेश का आपके पास तो है नहीं। ओ भाई कर क्या रहा है तू? तो भी उमेश कवर लेने गया है। अभी हम रुके हैं शिवाय स्वीट्स पे, आदर्श कॉलोनी उधमपुर। तो वैसे अभी अनीश ऑर्डर करवा रहा है। छोटा सा ही है यार वैसे, असली में यहाँ आके बहुत कम लोग पाते हैं। तो गाइस हमारा पार्सल आ चुका है। चलिए चलिए चलिए, हो तो गया है। तो नाका लगा है, तू चलाएगा? थैंक्स डोमिनोज। ये कहाँ जा रहे हो?
मुझे लग रहा आज हमें गफे ड्यू है। कब चढ़ाऊंगा सुबह 60 पॉइंट यार चुके कराते हो यार तुम ठीक है अंदे गल करता बता तो अब डोमिनोज को बाय बाय करते हुए भैया जहर के बारे में नहीं क्या नहीं इसको छोड़ दो जहर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप मत दिला मुझे डोमिनोज सॉरी उमेश मोहित भैया सूरज यार सूरज को दिखाओ यार उसको ये दिखाइए ना आप घास हमारी यहाँ पे यार क्रिकेट खेला जाता है ये पूरा हमारा प्लेग्राउंड है बस थोड़ा भी विजिबिलिटी के कारण कम है दिख रहा है ये हमारी विकेट है विकेट दिख रही है हाँ तो गाइस अभी मैं जिखेनी में हूँ ठीक है सामने बस पहाड़ दिख रहा है और यहाँ से है हमारा पटनी टॉप नत्था टॉप वगैरह जखेनी पार्क एंड अवर नेशनल फ्लैग तो जितना जल्दी हो सके मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बंदरों के अटैक कभी भी हो सकते हैं तो पूरी जगह ही हरियाली हरियाली है सामने आगे पीछे कहीं पर भी हरियाली ही दिखेगी तो कैसे आपको पता भी होगा पहले मैंने एक व्लॉग डाला था गंगेड़ा हिल्स का तो यहाँ पे है कहीं पे ये ऊपर गए थे उस दिन हम यहाँ पे शारदा माता मंदिर भी है तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ जाके देखना बहुत मज़ा आया था उस दिन में पूरा उधमपुर दिख रहा था वहाँ से तो चलो चलते हैं नीचे